आपका अनुपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल में आइए ले चलते हैं खास खबर की ओर। छात्रा की फीस जमा नहीं होने के कारण शिक्षक ने नहीं लिया ओरल टेस्ट, परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को दिया ज्ञापन। अनुपगढ़ कक्षा 1 की छात्रा की स्कूल फीस जमा नहीं होने के कारण शिक्षक द्वारा ओरल टेस्ट नहीं लेने पर छात्रा के पिता के द्वारा स्कूल पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। छात्रा के पिता संदीप सिंह ने ज्ञापन में लिखा है कि उसकी बेटी 69 GB स्थित निजी विद्यालय अकाल अकेडमी स्कूल में पढ़ती है, जिसमें उसकी कुल फीस है 40,000 रुपये है, जिसमें उन्होंने 34,000 रुपये जमा करवाए थे और 6,000 रुपये फीस बाकी रह गई थी। उन्होंने लिखा कि बुधवार को विद्यालय स्टाफ के द्वारा फीस जमा नहीं होने पर बच्ची को धमकाया गया तथा यह बोला गया कि जब तक आपकी फीस जमा नहीं होगी तब तक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा तथा उसकी बेटी का ओरल टेस्ट भी नहीं लिया गया, जिसमें बाद उस बच्ची पर आई तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया तथा उसकी बेटी खाना भी नहीं खा रही। उन्होंने लिखा है कि उनके द्वारा प्रधानाध्यापिका व क्लास की टीचर द्वारा इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जब तक आपकी फीस जमा नहीं होगी तब तक बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा। उन्होंने लिखा है कि विद्यालय के बच्चों को फीस संबंध में काफी टॉर्चर किया गया जा रहा है और विद्यालय अपने सही मानकों के अनुरूप पे कार्य नहीं कर रहा है, जिसको लेकर इसकी उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि विद्यालय पर जल्द जांच करवा कर कार्रवाई की जाए, नहीं तो उनके द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भी एसिस्टेंट मुस्कान ने बताया है कि उन्होंने विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और न ही बच्ची को टॉर्चर किया गया है। किस संबंध में सर? ये अकाल अकेडमी स्कूल है राम सिंहपुर 69 GB के अंदर, उसका जो स्टाफ है वहाँ का और वहाँ पे मेरी बच्ची प्रथम क्लास के अंदर स्टडी करती है, तो उस संबंध में आया था कि बच्ची को वो टॉर्चर बच्चों को टॉर्चर करते हैं। 40,000 रुपये फीस है स्कूल की, 34,000 मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और रात मैंने मैडम से बात करके ये बोला था कि जो बाकी पेमेंट है वो मैं सुबह दे दूंगा, लेकिन कल भी बच्ची को धमकाया गया और आज फिर बच्ची को धमकाया गया और उससे अगर टेस्ट नहीं लिया गया और बच्ची घर पे आके रोने लगी तो मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, उसने बताया कि मैडम ने ऐसे ऐसे धमकाया है और वो कह रहे हैं स्कूल में नहीं बैठने दूंगी, परीक्षा में नहीं बैठने दूंगी जब तक आप पैसे नहीं दोगे, और बच्ची रो रही है खाना नहीं खा रही और जिन्होंने पता नहीं किस तरीके से उसको धमकाया है क्या है, और बात करने पर आगे से कुछ संतुष्ट जवाब भी नहीं दे रहे, तो एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, मेरे को नहीं पता, उसको पता, उसको नहीं पता, उसको पता। इस कारण से आया हूं कि जिला कलेक्टर साहब के ये ज्ञापन देने के लिए कि इस पे स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये अपने सही मानकों पे और जो शिक्षा विभाग की नीतियां उसके ऊपर नहीं चल रहा और बच्चों को टॉर्चर कर रहा है।